हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे अंतिम राशि मीन के बारे में कि जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपकी माली हालत कैसी रहने वाली है, सरकार से आज आपको क्या लाभ मिलेगा, राजनीतिक स्थिति आपकी क्या रहेगी, सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, परिवार में आज आपके क्या शुभ कार्य होने वाले हैं या कोई नए तरह के महत्वपूर्ण कार्य होंगे जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा, घर गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं या जमीन भूमि संबंधित जमीन कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आज आपको उपाय क्या करना है, सावधानियां क्या बरतनी है जो आपके लिए बेहतरीन हो। यदि आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको कार्यक्रम मेरा अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें और क्या प्रश्न जानना चाहते हैं प्रश्न भी लिखें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज आपको शिक्षा के क्षेत्र से बड़ा लाभ मिलेगा, माली हालत अच्छी होगी, दूर देश की यात्रा होगी, सरकार से लाभ मिलेगा, सरकारी कार्यों से भी लाभ मिलते हुए दिख रहा है। यदि आप शिक्षा के लिए विदेश यात्रा का योग बन रहा है, शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और विदेश में पढ़ाई लिखाई का आपका बन सकता है, विदेश से आयात निर्यात की भी संभावना बन रही है। यदि विदेश में आप नए तरह के प्लान कर रहे हैं शिक्षा से संबंधित या किसी बड़े कार्य के लिए तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी, माता पिता का सुख मिलेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे और इंडस्ट्री इत्यादि भी लगा सकते हैं। शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य करें, स्कूल है, कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज है, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो उसके लिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें बढ़िया कर सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और कोई भी काम शिक्षा के क्षेत्र में या टेक्निकल एजुकेशन क्षेत्र में, ट्यूशन पढ़ाने का कार्य अगर आप करते हैं, मतलब शिक्षा से संबंधित कोई भी व्यवसाय की बात सोचते हैं तो उसमें आज आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। आप कोई लेन देन ना करें, अज्ञात व्यक्ति से कोई डील ना करें, नहीं तो उसमें आपके पैसे डूब सकते हैं। भाइयों का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, भाई बहन के लिए आज आपका दिन बहुत अच्छा है। भाइयों के लिए, बहनों के लिए आज आपको भाई बहन से सहयोग मिलेगा। हेल्थ वेल्थ को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी। पत्नी को नौकरी मिलने का योग बन रहा है। यदि आप ललित कला में रुचि रखते हैं तो आज आपकी किताब लिख सकते हैं, लेखन कार्य से आज आपको धन मिल सकता है। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए भी दिन आपका काफ़ी अच्छा है। साहित्य लेखक साहित्य में लेखन कर सकते हैं, संगीत लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, उसके लिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तेज़ गति की गाड़ी एकदम न चलावें, साझेदारी में व्यापार न करें और किसी महिला मित्र साथ सावधान रहें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है और कहीं ना कहीं आज आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इससे आज आपको बचने की जरूरत, अपने मन पर नियंत्रण करें, उतावलेपन में कोई कार्य न करें, मन में इनसिक्योरिटी की भाव रहेगी उसको एकदम डेवलप न होने दें, एकांत में न रहें, आप म्यूजिक का सहारा लें, भगवत भजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए सावधानियाँ क्या बरतनी है, सेंटिमेंट में आके कोई कार्य न करें, खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि गौशाला में जाके चना दान करें, गाय को चना खिलावें और खिचड़ी खिलावें, गरीबों को भोजन करावें, पुस्तक अगर हो सके तो गीता या रामचरितमानस किसी नीडी व्यक्ति को दान करें जो अच्छा रहेगा। और आपके लिए शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है हल्दी कलर। हरे कृष्ण।